दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट में ही है। क्रिकेटर सिर्फ एक मैच खेलकर ही लाखों रुपए कमा लेते हैं और साथ ही साथ देश विदेश में विज्ञापन करके भी लाखों पैसे कमा लेते हैं। और इस मोटी कमाई के चलते ही ये खिलाड़ी न केवल महंगी महंगी गाड़ियों के शौक को पालते हैं, बल्कि इन खिलाड़ियों के पास इतने महंगे घर हैं कि इनकी कीमत सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो के आखिर तक बने रहे और इसके बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय खिलाड़ी सालाना कितनी मोटी रकम कमाते हैं। नंबर 10, सौरव गांगुली पैलेस। महाराजा बिहाला प्लेस में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली रहते हैं और इस घर को प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इस खूबसूरत और आलिशान पैलेस के बारे में कहा जाता है कि यहां पर हर तरह की सुविधाओं के साथ साथ करीब 40 कमरे हैं। हर एक कमरा देखने में किसी 5-स्टार होटल से भी ज्यादा रॉयल है। इसी ऐशो आराम और ठाट बाट के चलते विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के इस पूर्व कप्तान के घर की कीमत आज 10 करोड़ से भी ज्यादा है। वैसे अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों इस पूर्व भारतीय कप्तान यानी सौरव गांगुली को प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से पुकारा जाता था। गांगुली के बारे में यहां तक कहा जाता है कि इस घर के अलावा उनके पास और भी कई आलीशान घर हैं। नंबर 9, हार्दिक पांड्या, लग्जूरियस विला। आपने इस भारतीय खिलाड़ी को चोट से उबरने के साथ साथ कई सारी मैच विनिंग पारियां खेलते हुए देखा होगा। पिछले कुछ सालों में इस खिलाड़ी ने गेंदबाजों की नींद उड़ाने के साथ साथ दर्शकों का भी दिल जीता है और यही वजह है कि बीसीसीआई ने भी हार्दिक पर छप्पर फाड़कर पैसे की बारिश की है और इन्हीं पैसों से इन्होंने अपने लिए मुंबई जैसे शहर में एक आलीशान बंगला बनवाया है। जानकारों की माने तो ये बंगला करीब 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। हार्दिक ने अपने इस बंगले में जिम भी बना रखा है और ये खिलाड़ी आए दिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बंगले की तस्वीरें भी डालता रहता है। इसके साथ ही इसने कई और भी तरह की सुविधाएं हैं जो बंगले को 11 करोड़ की कीमत के पार पहुंचाती है। नंबर 8, रविंद्र जडेजा, बंगलो। क्रिकेट फील्ड में आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी है जो रविंद्र जडेजा की तरह एक बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज की भूमिका निभा सकता है। अपने शानदार प्रदर्शन के चलते ही इस खिलाड़ी ने न केवल चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा है बल्कि लंबे समय से भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई हुई है। जाहिर है इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इन्होंने एक मोटी रकम भी कमाई है। अब ऐसा हम इनके आलीशान आशियाने के दम पर कह रहे हैं। दरअसल गुजरात का रहने वाला ये खिलाड़ी आज 4 मंजिला इमारत वाले घर में रहता है जिसमें अलग अलग सुविधाओं के साथ साथ करीब 30 कमरे हैं। कमाल है ना, रॉयल डी और कंफर्ट वाले इनके इस बंगले की कीमत 14 करोड़ से भी ज्यादा है और इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग देखने लायक है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम से घर में रहने वाले रविंद्र जडेजा किस मुकाम पर है। एक समय पर जहां इनके पापा रिक्शा चलाते थे, वहीं आज अपने हुनर के दम पर ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 7, सुनील गावस्कर, इस परावा विला। आपने भले ही इस दिग्गज खिलाड़ी को ज्यादातर समय कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैच का हाल बताते हुए या किसी विशेषज्ञ की तरह काम करते हुए देखा होगा, पर बता दे कि एक समय पर इनकी पॉपुलैरिटी भी सचिन और विराट जैसी ही रही है। सुनील काफी बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपने समय में मोटी रकम भी कमाई है। इस खिलाड़ी का शानदार विला जो आज गोवा में है वो करीब 5000 स्क्वायर फीट के इलाके में फैला हुआ है। इस घर में एक्सरसाइज करने के लिए जिम के साथ साथ एक बड़े से स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था है। साथ ही आव भगत वाले नौकर चाकर के साथ घर में एक बड़ी सी पार्किंग भी है। इतना ही नहीं, इस घर में डांस बार जैसी सुविधाएं भी हैं। ऐसी टॉप क्लास फैसिलिटीज और विला की खूबसूरती के चलते ही आज इस महान खिलाड़ी के घर की कीमत 21 करोड़ के करीब की जाती है। नंबर 6, सिद्धू हाउस। सिद्धू जिस तरह अपनी बातों से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं, उसी तरह एक समय ऐसा भी था जब इस खिलाड़ी के सामने कोई भी गेंदबाज गेंद डालने से भी डरता था। सिद्धू की इसी लोकप्रियता के चलते ही इन्होंने क्रिकेट जगत में मोटी कमाई भी की और अगर उनकी कमाई का अंदाजा लगाना है तो आप इनके आलीशान घर को देखकर खुद ही बोल देंगे कि वाह, घर हो तो ऐसा। सिद्धू ने 2014 के करीब अपना घर बनाने की शुरुआत की थी और 2017 में उनका घर बनकर तैयार हो गया था। बता दे कि आज उनके लग्जरियस घर में स्पा और जिम जैसी सुविधाएं हैं और इन्हीं सुविधाओं के चलते ही इनके इस घर की कीमत 25 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 5, रोहित शर्मा हाउस। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन के पद पर विराजमान रोहित शर्मा ने मैदान में जितने चौके छक्के जड़े हैं, उतनी ही धनवर्षा भी उनके बैंक अकाउंट पर हुई है। तभी तो अपने घर खरीदने के सपने को उन्होंने भी हकीकत बना ही लिया है और अभी हाल ही में इस खिलाड़ी ने मुंबई के वली नाम के इलाके में एक बड़ा सा अपार्टमेंट खरीदा है।
इस अपार्टमेंट में स्पा के साथ साथ स्विमिंग पूल और जिम जैसी सुविधाएं हैं। इस घर को ऐसे बनाया गया है कि यहाँ की बालकनी में खड़े होने पर अरेबियन सी का 270 डिग्री का शानदार नजारा देखने को मिलता है, और इन्हीं कारणों के चलते अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के समय में रोहित के इस घर की कीमत 30 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 4, विराट कोहली हाउस। विराट कोहली ने क्रिकेट से एक मोटी रकम कमाई है और इस मोटी रकम का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने आलीशान घर लेने में भी निवेश किया है। यही वजह है कि आज विराट ने मुंबई के वली इलाके में ओमकार टावर के 35th फ्लोर पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट लिया है। विराट के पास मुंबई के साथ साथ हरियाणा में भी एक आलीशान घर है और माना जा रहा है कि इस घर की कीमत 80 करोड़ के करीब है। वैसे आपको लग सकता है कि इस खिलाड़ी का घर तो दूसरे खिलाड़ियों की तुलना में काफी महंगा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि विराट पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर की लिस्ट में शामिल रहे हैं, और इसके अलावा विराट खुद का ब्रांड भी लॉन्च कर चुके हैं। जाहिर है इतनी ज्यादा कमाई के चलते ही विराट अलग अलग शहरों में महंगे घर ले पाए हैं। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर हाउस। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत के कितने बड़े खिलाड़ी रहे हैं इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सुलझे हुए स्वभाव के चलते उन्हें क्रिकेट के भगवान का भी खिताब दिया जा चुका है, और यह क्रिकेट के भगवान मुंबई के बांद्रा में रहते हैं। जो घर इनका आशियाना है वो करीब 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। बताया जाता है कि इस घर में कुल 5 फ्लोर्स हैं। इसमें से ऊपर के 2 फ्लोर तो इस खिलाड़ी के परिवार के लिए है और बाकी बची हुई जगह मेहमानों के लिए रखी गई है। सचिन के घर में अलग अलग तरह की सुविधाओं के साथ साथ एक बड़ी सी पार्किंग की भी व्यवस्था है, और यही वजह है कि आज के समय में इस बंगले की कीमत 40 से 45 करोड़ के बीच की है। नंबर 2, MS धोनी फार्म हाउस। जिस तरह माही का शांत दिमाग मैदान के अंदर चलता था, उसी तरह उनका दिमाग मैदान के बाहर भी चलता है, जहां दुनिया भर के फेमस क्रिकेटर सीधे तौर पर घर या अपार्टमेंट को खरीदने में विश्वास रखते हैं। वही धोनी बाकियों से हटकर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ये खिलाड़ी रांची के जिस घर में रहते हैं उसका नक्शा खुद धोनी ने ही तैयार किया है। आपको बता दें कि इस घर में बड़ा सा लॉन होने के साथ साथ कई सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं, जिसे देखकर आपको भी लगने लगेगा कि ये घर नहीं बल्कि कोई 5-स्टार होटल है। और धोनी के द्वारा रांची में बनाए गए इस घर की कीमत आज के समय में 40 करोड़ के करीब है। पर एक सच्चाई ये भी है कि अगर यही घर किसी बड़े शहर में होता तो इस घर की कीमत 100 करोड़ के करीब पहुँच जाती। नंबर 1, युवराज सिंह हाउस। मैदान के भीतर अपने बल्ले का दम दिखाने वाले युवराज ने अपने पूरे करियर में एक अच्छी खासी कमाई की है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस खिलाड़ी के पास भी 16000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ घर है, जो किसी शाही महल से कम नहीं नजर आता है। करीब 25 कमरों के साथ साथ इतना बड़ा है कि आप यहां घूमते घूमते थक जाएंगे। इसके अलावा घर में लिफ्ट, पार्किंग लॉट, स्पोर्ट और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अब इतने सारे की फीचर होने के साथ इस घर की मार्केट वैल्यू भी 70 करोड़ से कम नहीं है। इतना ही नहीं, युवराज के पास मुंबई के भी पॉश एरिया में एक बड़ा सा फ्लैट है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवराज की जिंदगी कितनी ज्यादा आलिशान है। तो ये थे भारत के 10 ऐसे क्रिकेटर्स जो मैदान में तोड़ मेहनत करते हैं और रॉयल कन्वर्टेबल घर में अपनी थकान मिटाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।